नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि सरकारी कर्मचारी की सैलरी बढ़ाएगी सरकार, जल्द हो सकता है यह बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, कौन सा बड़ा ऐलान होने जा रहा है उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, जुलाई के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार बड़ा गिफ्ट दे सकती है। खबर है कि सरकारी कर्मचारी के डीए में इजाफा होना लगभग तय है, सरकार अगले महीने इसका ऐलान कर सकती है। साथ ही खबर आ रही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को भी जल्द बढ़ा सकती है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार अपने कर्मचारी की सैलरी में इजाफा कर उन्हें बड़ी राहत दे सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अनुमान लगा जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देने के प्लान पर काम कर रही है। शांत पे कमीशन के तहत शहर की कैटेगरी के हिसाब से फिलहाल हाउस रेंट अलाउंस 27%, 18% और 9% की दर से दिया जा रहा है। सरकार ने इस साल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तो की थी, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस में कोई भी इजाफा नहीं किया। ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी के हाउस रेंट अलाउंस अगले साल यानी 2023 तक बढ़ सकता है। सरकार की ओर से पहले ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में 3% का इजाफा इस स्थिति में होगा जब डीए 34% से बढ़कर 50% तक पहुँच जाएगा। जुलाई में कर्मचारी के डीए में 4 या 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में डीए बढ़कर 38 या 39% पर पहुंच जाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद 2022 में आगे भी कर्मचारियों में डीए बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो तय है कि डीए का आंकड़ा 50% तक पहुंच जाएगा। ऐसे में कर्मचारी का हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़कर 30% हो जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी का अधिकतम 27% हाउस रेंट अलाउंस फिलहाल दिया जा रहा है। हाउस रेंट अलाउंस एक्स वाई जेड क्लास के शहरों की कैटेगरी के हिसाब से तय है। एक्स कैटेगरी में आने वाले केंद्रीय कर्मचारी को 27% एचआरए मिल रहा है और वाई कैटेगरी में 18% और जेड कैटेगरी में 9% की दर से एचआरए मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।